तो गाइस बहुत दिन के बाद मैं आ चुका हूँ ब्लॉक में। तो भाई देख सकते हैं जबरदस्त लग रहा है पूरा बादल एकदम, और साथ में खेत हरियाली के साथ, और घर के लिए ले लिया हूँ सब्जी। ठीक है, लेकिन कॉल कर रहा हूँ कब से लेकिन कॉल उठा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, बहुत देर से चले चलते हैं, अंदर जाके खटखटा देता हूँ, शायद मोबाइल चार्ज में लगा दिए होंगे इसलिए उठा नहीं रहे हैं कॉल। ठीक है, चल पूरा खेत पर बात कर दे रहे हैं, चल। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि राजा कहीं से निकल गया तो मेरा हाल ऐसे ही खराब हो जाएगा। वो राजा है कि रानी, मेरे को नहीं नहीं वो राजा है कि रानी, ये तो किसी को पता नहीं है। राजा है, नाग है ना, नाग नाग नहीं तो दिखा मेरे को, इसको कहाँ खिलाऊँ, यहाँ पे खिलाता हूँ, नहीं बांधूंगा नहीं, थोड़ा खा लेगा। तो चलिए चलते हैं, अभी आईफोन जो है उसको देखकर आता हूँ फटाफट, मेरे को कन्फर्म पता है कि आईफोन ही हो सकता है। ठीक है, इसीलिए गाइस मैं कोशिश करूंगा आने की, ये ओके है, आप बुरा मत मानिएगा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिलहाल मैं तैयार होकर आ चुका हूँ पुलिया के ऊपर, और मैं एक दिन बाद जा रहा हूँ ऑफिस, देखता हूँ आज कितना सारा पार्सल मिलता है और आज दिन भर की कहानी मेरी क्या होती है। तो प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे इस ब्लॉग में बने रहेगा। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा मोटिवेट वाला कमेंट कर ही दीजिएगा। चलिए चलते हैं, देखता हूँ आज कितना सारा पार्सल मिलता है और आज दिन भर की कहानी मेरी क्या होती है। तो प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे इस ब्लॉग पर बने रहिएगा, चलिए चलते हैं। दोस्तों ऑफिस आ गया था, ठीक है, थोड़ा सा थंबनेल बनाना बाकी था एक वीडियो का, उसको कंप्लीट कर लेता हूँ, तब तक ऑफिस भी खुल जाएगा। देखता हूँ आज कितना सारा पार्सल मिलता है। भाई धूप तो भयंकर ज़बरदस्त निकला हुआ है, ऐसा लग रहा है कि गर्मी का दिन चल रहा है। ठीक है, चलिए तब तक खुल जाएगा ऑफिस, तो अपना थोड़ा सा काम बचा हुआ है वीडियो का, उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। चलिए खुलने वाला है ऑफिस अभी, खींचो। चार लेता हूँ अपना पार्सल फटाक से। चलिए दोस्तों, अपना बैग तैयार कर चुका हूँ, फटाफट निकलता है पार्सल बांटने। ठीक है, दो झोली और आधा बोरी, फटाफट चलते हैं जितना जल्दी हो सके बांटूँगा। हालांकि पार्सल थोड़ा इधर उधर का ले लिया हूँ क्योंकि पार्सल थोड़ा कम मिल रहा था, इसलिए चार तरफ का पार्सल ले लिया। भाई गिर कहाँ जा रहा है, चलिए सिस्टम पर आ गया था, प्रीपेड पार्सल से आज भी शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, 21 पार्सल था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और एक पार्सल इस कॉर्नर का, कहाँ है यार पार्सल, ये रहा। एक पार्सल लेकर आया था लेकिन घंटी भी खराब है और नंबर भी ब्लॉक कर दिए हैं, प्रीपेड पार्सल है, यहीं पर छोड़ देता हूँ, दरवाज़ा खुलने के साथ ही मिल जाएगा पार्सल। ठीक है, चलिए भी आगे चलते हैं, धूप जो है ना ज़बरदस्त लग रहा है। चलिए फटाफट डिलीवर मारता हूँ, उसको भी डिलीवर मारना है, बड़ा पार्सल है, और सामने जो है ना ये थोड़ा ओजन पार्सल है। ओ भाई घंटी बज चुका है, नहीं नहीं चलिए दोस्तों, एक रिटर्न था उसको ले लिया हूँ, उसको बांधना पड़ेगा इसमें। पार्सल एक ही कस्टमर का है लेकिन कस्टमर जो है ना नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। ठीक है, लोकेशन देख के आ गया हूँ, यहीं पे लोकेशन बता रहे हैं, थोड़ा पूछ के देख लेता हूँ शादी वाला घर हो सकता है या फिर कहीं और जाना पड़ेगा। ओ भाई आंटी, पवन कुमार वर्मा जी का घर कौन सा है? हा? पवन कुमार वर्मा गली है ना, ये गली में जाना है। हा?
ये जो गली है ना, ये जो घर बना उस बगल से गली है, देखिए गई हाँ वहीं पे बड़ा सा गेट है, ठीक पालू वालू गिरा है, ठीक घर बन रहा है। हाँ हाँ ठीक। आंटी जो बोले हैं उस घर में तो आ गया हूँ। भैया पवन कुमार वर्मा जी का घर ही वाला है क्या? पार्सल था, नंबर ही ब्लॉक कर दिए। पहले तो आया हो ना यहाँ पे? नहीं, नंबर ब्लॉक है ना, इसलिए कॉल नहीं लग रहा था उसमें। अनब्लॉक कर दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा तेज धूप निकल चुका है, ठीक है, और असीम भैया का पार्सल लेकर आया हूँ, लेकिन कॉल उठा नहीं रहे हैं और यहाँ से गेट बंद है और घर जो है ना 100 मीटर दूर है, ठीक है, कोई सुनाई भी नहीं देगा यहाँ से अगर चिल्लाऊंगा भी तो, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आज ना मैं आईफोन अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, क्योंकि पार्सल जो आया है ना, मेरे को कन्फर्म पता है कि आईफोन उसके अंदर हो सकता है, क्योंकि फ़ोन के अंदर जो आईफोन और सैमसंग का जो फ़ोन रहता है वही बस चार्जर नहीं देते हैं, ठीक है। सैमसंग हो सकता है या आईफोन, दोनों में से तो एक कन्फर्म डेफिनेटली होगा। एक बार मैं चिल्ला देता हूँ फिर से, ठीक है। पार्सल था, चलिए दोस्तों सुन लिए हैं। वो रहे घर वाले काफी दूर हैं। चलिए दोस्तों आ गए हैं, ठीक है, दे देता हूँ पार्सल। असीम भैया का पार्सल था, 600 रुपये। भैया कॉल नहीं उठा रहे। अच्छा, 600 रुपये। हाँ 600 रुपये है, 600 रुपये है। हाँ ठीक। हाँ, ओ भाई 9-10 बजे तक सो रहे हैं भैया, और सफ़ेद कलर का पैंट आया, लेकिन फिर भी मेरे को ना बहुत ही तेज़ गर्मी लग रहा है, पता है, ऐसा लग रहा है ना नहा लूँ जाके, और प्यास भी लगा है, ठीक है। आगे जाऊँगा, एक और पार्सल दूँगा, उसके बाद पानी पी लूँगा, मेरे को प्यास ना बहुत ही तेज़ लगा है। पानी का तो नामो निशान है नहीं, ठीक है, बरसात का दिन चल रहा है, लेकिन कोई इतना धूप निकल रहा है कि क्या ही बताऊँ, जैसे कि गर्मी का दिन चल रहा है बरसात का। ठीक है, पार्सल लेकर आया हूँ, ठीक है, लेकिन कॉल कर रहा हूँ कब से, लेकिन कॉल उठा ही नहीं रहा है, ठीक है, बहुत देर से। चले चलते हैं अंदर, जाके खटखटा देता हूँ, शायद मोबाइल चार्ज में लगा दिए होंगे इसलिए उठा नहीं रहे हैं कॉल। ठीक है, फुल चार्ज है। ओ भाई ताला ये बंद है तो कहाँ से कॉल उठाएंगे, शायद ऑफिस चले गए होंगे पक्का। घर पता था तो घर आ गया, ठीक है, लेकिन आने के बाद ताला बंद है और ऊपर से कॉल भी नहीं उठा रहे हैं, तो कुछ किया जा नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अभी आईफोन जो है उसको देकर आता हूँ फटाक से। मेरे तो कन्फर्म पता है कि आईफोन ही हो सकता है, ठीक है। ओ भाई इतना धूप है ना, क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा धूप लग रहा है यार। चलिए कहीं पे भी टेप वगैरह लगा हुआ नहीं है, अच्छा आईफोन। ये रहा, ठीक है, चार्जर वगैरह इसी के अंदर है, बिल इसमें है ना, देख लीजिएगा। बोल रहे हैं पे कर दिए हैं भैया, पे कर दिए हैं क्या? निर्वेद सिंह, आपके आपको दिए हैं पैसा? नहीं पैसा नहीं दिया है, कर दूंगा बोला, बात कर लीजिए। भाई पार्सल देने गया था, बोलता है पे कर दिया हूँ, अब जाने के बाद पता चल रहा है कि पे किए नहीं है, और ऊपर से बोल रहा है कि मैं ऑर्डर ही नहीं किया हूँ, मेरा 15-20 मिनट बर्बाद कर दिया आज भी एक कस्टमर। चलिए चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों लास्ट स्टॉप पर आ गया था, हालांकि पार्सल देने नहीं जा रहा हूँ, पैसा लेने जा रहा हूँ। सुबह देकर गया था पार्सल,
उस टाइम चेंज नहीं था, ठीक है। और आईफोन भी देकर आ गया हूँ, चलते हैं सीधा घर, घर से पहले ऑफिस। घंटी में जा देता हूँ रे भाई। दोस्तों ऑफिस आ गया था और ये रहा रिटर्न डस्टबिन, ठीक है, जमा कर देता हूँ। इसी में सभी कचरा वगैरह जमा करते हैं, उसी चीज़ को ऑर्डर किया था तो उसी को फिर रिटर्न भी डाल दिया। चलिए फटाक से देके आता हूँ भाई। अरे दोस्तों पैसा वैसा जमा करके आ गया था टाई लेने के लिए। फिलहाल मैं अम्बेडकर चौक आ गया था, अभी जाना है किताब घर, वहाँ से टाई लेना है, ठीक है, हालांकि उस पार जाना है। चलिए चलते हैं उस पार फटाक से। चलिए दोस्तों टाई ले लिया हूँ, अभी सीधा निकलते हैं घर। इसको कहाँ रखती है, छोटा सा बच्ची का है, छोटी बच्ची का है। और बता, गर्मी मुनिया, ओ मुनिया, मनु कोई कहाँ गई, ये है ना, मनु चली गई है स्कूल। मैं सोचा कि उसको झूठ बोलूँगा कि नहीं लाना टाई। पूरा खेत बर्बाद कर दे रहे हैं। चल तो भाई, कौन छोड़ देता है ना, समझ में नहीं आता है। चल पूरा खा दे रहा एकदम, तो अच्छा वो देख लिया। एक तो पानी उन्हें गिर नहीं रहा ऊपर से, भगवान देखे सकते हैं पूरा पेड़ खा दिया है पूरा पौधा, इधर भी इधर पूरा, कितने देर तक खा रहा था, तो अच्छा हुआ देख लिया। कौन छोड़ दिया है भाई, चल कौन अपना अपना बैल छोड़ छाड़ के। चल चलिए दोस्तों आते हैं थोड़ा सा खेत से, ठीक है। बोरिंग पूरा धसक जा रहा पूरा इधर से। लौकी खेत जा ही रहा था कि सृष्टि कॉल किए कि मेरे को भी आना है करके, ठीक है, फिर उसको लेने जा रहा हूँ, उसके बाद जाऊँगा लौकी खेत, ठीक है। ओ भाई, और दोस्तों सच में आज आईफोन अनबॉक्सिंग करके ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, पकड़ा छुआ मस्त लगा एकदम, मतलब महंगा वाला सामान जो है ना अच्छा ही लगता है। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि राजा कहीं से निकल गया तो मेरा हालत ऐसे ही खराब हो जाएगा। वो राजा है कि रानी, मेरे को नहीं नहीं वो राजा है कि रानी, ये तो किसी को पता नहीं है। राजा है, राजा बाजा बजा दे, नाग है ना, नाग, नाग, नागी नहीं, नागी, आराम से ना ध्यान से देखना, ठीक है, उसी को देख लूं राजा, कहीं से भी नहीं, खेत में रहता है, इधर भी रहता है ना, उधर मत जाना, मैं अंदर जाऊँगा, ठीक है, अंदर जाओगे तो ऐसे करके जाना है, वैसे करके ही जाऊँगा मैं। खेत में आना भी अभी बरसात के टाइम में खतरे से खाली नहीं है, कहाँ से निकल जाएगा कोई पता नहीं, ऐसे घर के आसपास बहुत घूम ही रहा है। आओ इधर आओ, उसको लिए हम। ओ फार्म में देखो अच्छा हुआ है लौकी खेत, मस्त हुआ है।
इसको ना पता है अभी और थोड़ा साफ कर देना चाहिए, पता है घास जो है ना वो। भाई ये रहा मूली खेत, नहीं वो सामने रहा, पूरा घास भर गया है। हाँ जा ही रहा हूँ मैं, ओह आराम से आराम से आराम से गिरो आराम से, पतला है ना पूरा मेरे को। भाई कितना घास है यार। तो भाई देख ही सकते हैं ज़बरदस्त लग रहा है पूरा बादल एकदम, और साथ में खेत हरियाली के साथ, और घर के लिए ले लिया हूँ सब्जी। ठीक है चलो 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 चलो। हाँ क्या चीज़ राजा नहीं दिखेगा भाई, आज ही पता है वो जो सांप जो है ना वो आंगन में आ गया था एक चिड़िया के बच्चे को लेकर। मैं तो था नहीं, ये देख के रोने लग गए थे, आने के बाद बोल रही थी बहुत ही बड़ा है। लेकिन उसको कौन सा सांप बोलते हैं आप लोग को पता होगा, गेहुआ या धमना बोलते हैं लोकल भाषा में। हाँ डंडा करा तो छोटा सा रहता है, वो बड़ा सा देख रहे हो कितना बड़ा सा है। और इधर मतलब आस पास मेरा घूमते ही रहता है, क्योंकि हम लोग के घर के आस पास बहुत सारा पेड़ है, और पेड़ में है चिड़िया, चिड़िया के दिए हैं बच्चे, बस उसी को खाने के लिए आता है। उसके मुँह में बच्चा भी था ना। हाँ बच्चा भी था भाई। दोस्तों थोड़ा गैया को थोड़ा घास खिला देता हूँ, ठीक है। ओ भाई धूप से बचाने के लिए इसको बांध दिया था छाया पे, इसको भी खोल के यहीं पे बांध देता हूँ, सामने वाला घास जो है खा लेगी मस्त, पेट भर जाएगा। फिर खुल जा, खुल गया। चलो 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 चलो। कहाँ चला जाता है यार। चलो हरियाली छाया हुआ है यहीं पे खा लो जितना खाना है, पेट भर के जी भर के। यहीं पे बैठ जाता हूँ मैं भी। ओए कहाँ जा रहे हैं। सुनो ना इसका गाड़ने वाला कहाँ है, वहाँ पर नहीं, नहीं तो दिखा मेरे को आया। इसको कहाँ खिलाऊँ, यहाँ पे खिलाता हूँ। नहीं, नहीं बांधूंगा नहीं, थोड़ा खा लेगा। इधर आ इधर इधर। तो गाइस बहुत दिन से मैं पढ़ाई मेरा कर रहता हूँ, स्कूल में आता जाता हूँ, इसीलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। इसीलिए ये गाइस मैं कोशिश करूँगा आने की ये, ओके है, तो आप बुरा मत मानिएगा। तो गाइस मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट ब्लॉक में। इंटरेस्टिंग स्ट्रैकिंग स्ट्रैकिंग। तो गाइस बहुत दिन के बाद मैं आ चुका हूँ ब्लॉक में। हाँ गाइस मैं जल्दी से आ चुका हूँ ब्लॉक में, अब आपको मैं ब्लॉग बनाऊंगा, अब से मैं ब्लॉग बनाऊंगा, एंडिंग मैं ही करूँगा। हाँ ठीक है, अब से ना आप मेरे भाई को भी देख सकते हैं। और दीदी भी आई है सबके लिए चिप्स लेके। तो चलिए गाइस आज ब्लॉग का एंडिंग करते हैं। आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। हम आप जल्दी से कर दीजिए जिससे हम लोग 10 लैक्स हो जाए, 10 लैक्स फैमिली हो जाए। तो एक रैप सुना दे तब हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। डाकू वाला, डाकू वाला। रैप थोड़ी ना भाई। डाकू वाला तो याद है तेरे को? नहीं सुना दे डाकू वाला। नहीं याद है? नहीं है आता। अभी हमारे प्रियांश गाना गा के सुनाएगा रैप। डाकू वाला सुना दे एक बार। डाकू नहीं आता मुझे, अभी गाना नहीं सुनता मैं, बस कार्टून देखते रहता हूँ। कार्टून थार और सब देखते रहता हूँ। थार और थार ही देखते।